हे गाइस, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो चलो आज हम बात करेंगे कि आखिर प्लूटो एक ड्वार्फ प्लैनेट कैसे बना। हमारे स्पेस की हिस्ट्री के अनुसार पहले हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स थे और सबसे और 9वां प्लैनेट था अपना प्लूटो। और समय के साथ साथ प्लूटो अपनी पोजीशन से खिसक गया और उसका ग्रेविटेशनल फोर्स कम होने लगा। और उसके बाद हमारा जो प्लूटो है वो श्रिंक होने लगा। और श्रिंक डिस्टेंस मेरे कहने का मतलब है कि प्लूटो अपनी साइज में छोटा होते गया। और एक ऐसा वक्त आया जब प्लूटो की ग्रेविटेशनल पुल थोड़ी वीक हो गई और वो इतना श्रिंक हो गया कि वो जुपिटर के एक मून के साइज का हो गया। जब वो जुपिटर के एक मून के साइज का हो गया तभी वो अपने ऑर्बिट में जो मून्स जो ऑर्बिट कर रहे थे उनके तो उनसे तो साइज में थोड़ा बड़ा ही थे, पर स्टिल वो बहुत ज़्यादा ठंडा है, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कोल्ड है और इतना दूर सिर्फ हम अपने रोवर्स या प्रॉब्स स्पेस प्रॉब्स की मदद से ही पहुंच सकते हैं, हम इंसान वहां तक अभी नहीं पहुंच सकते। तो ये एक बड़ा रीज़न है प्लूटो के छोटा होने का और उसका ड्वार्फ प्लैनेट बनने का। जैसे और मेरी प्रेडिक्शन तो ये कहती है कि अगर प्लूटो एक ड्वार्फ प्लैनेट बन प्लूटो और भी छोटा होता रहा तो एक दिन वो गायब हो जाएगा। तो अगर आपको गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम मेरी नई वीडियो में मिलते हैं। बाय।